पहले आज की ट्रिगर्स पर नजर कर लेते हैं और आप देखिए एप्पल का जो इवेंट है उस पर बाजार की नजर है। आईफोन 13 और साथ ही जो वॉच है सीरीज 7 उसका लॉन्च होता हुआ दिख सकता है और इसी के चलते इस पर नजर रखें। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आज बैठक होने वाली है 3:45 के आसपास पौने 4 से 4 के बीच में और वहां पे कोरोना वैक्सीनेशन ये मेन एजेंडा होंगे जिस पर बातचीत होती हुई दिखेगी। कल के इवेंट्स पर अगर आप नजर करें तो सबसे पहले इमामी रियल्टी है जहां पे डीमर्जर कमेटी की बोर्ड की बैठक होती हुई दिखेगी। एयर इंडिया इसके निजीकरण के लिए फाइनेंशियल बोली की डेडलाइन है और साथ ही जो इन्फोसिस ये जो बात चल रही है कि ई फाइलिंग पोर्टल जो है इनकम टैक्स की वहां पे काफी दिक्कतें थी उसको दूर करने की फाइनल डेडलाइन है तो इस पर नजर रखें। और साथ ही 16 सितंबर इसमें सांसेरा इंजीनियरिंग का जो आईपीओ इसका टोटल डिविडेंड है ये एक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा और साथ ही ब्राइटकॉन ग्रुप इस पर भी आपको नजर रखनी होगी जहां पे बोर्ड की बैठक होने वाली है। इक्विटी शेयर्स और वारंट्स जारी करने पर बोर्ड फैसला लेते हुए दिखेगी। पीएनबी के लिए कि यहां पे कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस में अपनी जो पूरी हिस्सेदारी है पीएनबी उसको बेचने के लिए यहां विचार कर रहा है। करीब 23% के आसपास की हिस्सेदारी है पीएनबी की जो ये बेचने वाले हैं। एचओसीएल और गुजरात एल्केलीज के लिए जो बड़ी खबर आई है कि इम्पोर्टेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो जारी रह सकती है। बांग्लादेश थाईलैंड से इम्पोर्ट होने वाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड पर ड्यूटी जो है वो जारी रह सकती है। इन कंपनियों ने इसकी अर्जी डाली थी। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स इंडसइंड बैंक के साथ इन्होंने फाइनेंसिंग के लिए एक करार किया है। बीएलएस इंटरनेशनल नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ इन्होंने एक करार किया है। आयुष्मान भारत कार्ड के लिए पूरे भारतवर्ष में जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए करार इन्होंने किया है। गोदावरी पावर शेयर विभाजन पर बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। एक शेयर को 2 शेयर में विभाजित करेंगे ये और 1:1 बोनस शेयर जारी करने के लिए भी बोर्ड ने मंजूरी दी है। इसके अलावा जगदम्बा पावर के साथ इन्होंने जो मर्जर का करार किया था वो इन्होंने फिलहाल रद्द कर दिया है। टाटा मोटर्स टाटा पावर यहाँ खबर आई है कि टाटा मोटर्स ने टाटा पावर के साथ एक पीपीए किया है। पुणे में सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट के लिए पीपीए जो है वो इस कंपनी द्वारा किया गया है। लॉरस लैब यहाँ कंपनी की तरफ से एक अपडेट आया है कि बच्चों के लिए जो एचआईवी की जेनरिक दवा है उस पर काम जो है वो अभी जारी है वो ये कंपनी कर रही है। जोमेटो के लिए अपडेट आया है कि इस कंपनी के जो को फाउंडर है गौरव गुप्ता उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और सबसे आखिरी में पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक इस कंपनी का आईपीओ जो है 21 सितंबर को खुलेगा और 23 सितंबर को बंद होगा ये अपडेट आया है।